भैया आज डेट है 24 अगस्त 2021 और आज हुआ था पीटी का एग्जाम। ये एग्जाम हो सकता है एक या दो शिफ्ट में हुआ था या हो सकता है तीन शिफ्ट में हुआ हो, क्योंकि इसके बारे में मुझे ज्यादा जानकारी नहीं है। जितनी भी जानकारी मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ वो सभी मैंने अपने दोस्तों से ली है। तो शाम को जब मैं अपने रूम में आया और मैं सोशल मीडिया यानी कि फेसबुक वगैरह चला रहा था तो उसमें मुझे पता चला कि पीटी का एग्जाम पेपर लीक हो चुका है। काफी सारे लोगों ने ऐसी पोस्ट डाल रखी है, उसमें फोटोज वगैरह डाल रखी थी जो मैं आपको दिखा देता हूँ अभी स्क्रीन पर ले चलकर। उसमें पीटी के एग्जाम के क्वेश्चन थे। नहीं, सबसे पहले ले ही चलते हैं आपको स्क्रीन पर। जैसे कि आपको स्क्रीन पर नजर आ रहा है यहाँ पर एक पोस्ट डाली हुई है जो कि अभी एक या दो घंटे पहले डाली गई है और इसमें लिखा हुआ है, भाई लोग अगर पेपर लीक नहीं हुआ है तो ये कहाँ से आई है, जो कि सोशल मीडिया पर धूम मचा रही है। 24/8/2021 फर्स्ट मीटिंग यानी कि फर्स्ट शिफ्ट। ये चिंता का विषय इसलिए है भैया क्योंकि पीटी का जो ऑफलाइन पेपर था जो कि उधर बटे हुए थे वो किसी को घर ले जाने के लिए नहीं दिए थे, वो तो वहीं पर जमा हो गए थे। बस एक ओएमआर सीट की जो कार्बन कॉपी थी वो दे दी थी बच्चों को, स्टूडेंट को घर पे ले जाने के लिए, ताकि वो अपना क्वेश्चन पेपर बाद में चेक कर पाए जो इसकी आंसर किया है। लेकिन यहाँ पर तो फोटोज डली हुई हैं सोशल मीडिया पर। सिर्फ यही नहीं, यहाँ पर मैं थोड़ा इसको स्क्रॉल डाउन करता हूँ तो यहाँ पर भी और भी पोस्ट डली हुई हैं। इसमें भी लिखा हुआ है पीटी का पेपर हुआ लीक। ये प्रिंट ब्लू कलर की थी लेकिन काफी सारे बच्चों ने मुझसे ये बोला कि भैया उनका क्वेश्चन पेपर जो आया था वो ब्लैक कलर की प्रिंट में आया था, अब ये ब्लू कलर की प्रिंट कहाँ से आई है और इसमें क्वेश्चन मैच कर रहे हैं यानी। अब इसमें काफी सारे कैंडिडेट ने कमेंट करके ये भी बता रखा है कि भैया जो फर्स्ट शिफ्ट का पेपर था वो लीक हुआ है, उसके क्वेश्चन पेपर और क्वेश्चन मैच कर रहे हैं। अब इसमें क्या हुआ कैसे हुआ इसका मुझे ज्यादा जानकारी नहीं है क्योंकि भैया मैंने तो एग्जाम दिया नहीं था। अगर आप यूपी के निवासी हैं और आपने पीटी का एग्जाम पेपर दिया है तो ये आपको पता होगा इसके बारे में। तो आपके इस बारे में क्या राय है मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताना। और काफी सारे बच्चों का तो ये कहना है भैया अगर क्वेश्चन पेपर लीक हो गया है तो क्वेश्चन पेपर को कैंसिल कर देना चाहिए जिस शिफ्ट का भी लीक हुआ है। अगर पीटी के क्वेश्चन पेपर लीक से रिलेटेड आपको कुछ भी जानकारी मिले तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक किए बिना मत जाना। चैनल पर पहली बार आए हैं तो ऐसी जॉब से रिलेटेड जानकारी देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं।